हेलो दोस्तों, केदारनाथ टेंपल के दर्शन के लिए हम लगभग सुबह 10:15 बजे लग गए थे और अभी हो रहा है लगभग 12:20। तो 2 घंटे होने के बावजूद भी अभी हम क्यू पे लगे हैं और मैं दिखाता हूँ, अभी भी हमें दर्शन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी क्यू है और वो है केदारनाथ टेंपल, जैसा कि आप देख सकते हैं वो है केदारनाथ टेंपल और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिस पर बर्फ़ जमी हुई है और ये ऊपर आप बादल देख सकते हैं। ये है कुछ इस तरह का नज़ारा अद्भुत जो सिर्फ केदारनाथ टेंपल में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है, बशर्ते आप यहाँ पे रूम अपना पहले से बुक करा के आए। ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से होटल लगे हुए हैं और कुछ विंटर क्लॉथ्स भी लगे हैं, यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है। तो और मैं लाइन दिखाना चाहूँगा, लाइन आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। तो अब देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं हमें। बाकी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, देखिए अभी काफ़ी धूप हुई है और शाम को होते ही यहाँ पे मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो जाता है। टेम्परेचर लगभग 0 से -1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है और ऐसा अनुमान है, अभी मैं मोबाइल में देख रहा था शायद कल या परसों यहाँ पे बारिश हो सकती है, तो ठंडी यहाँ पे काफ़ी बढ़ने के चांसेस है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।